और फर्स्ट स्टेप वाले भाई की भी जो क्या कहते हैं बियर्ड की कंडीशन है, मैं मानता हूँ उनकी बहुत ही ज्यादा शेड हुई है, बहुत ही ज्यादा शेड हुई है। लेकिन तो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर अंसारी भैया में, और आप देख रहे हैं मिस्टर अंसारी को। हाय, दिस इज अमजद अली अंसारी। थैंक यू सो मच गाइस इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइस सॉरी कि मेरी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, जैसे कि मैं प्रॉपर एक वीडियो 1 से 2 दिन में अपलोड कर देता था, लेकिन अभी 3 से 4 दिन हो जा रहे हैं वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है थोड़ी सी, फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है जॉब की वजह से। कोई बात नहीं, मेरे पास क्वेश्चन इतने ज़्यादा भर भर के आ रहे थे, कमेंट्स भर भर के आ रहे थे कि भाई जो उत्तम भाई है फर्स्ट स्टेप वाले, उनकी जो वीडियो आई है उन्होंने बताया कि मिनोक्सिडिल बियर्ड परमानेंट है या नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बात की है, और उनकी तो पूरी की पूरी बियर्ड शेड हो गई है। देखो गाइज मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है, पहले ढंग से और पूरी बात सुनना गौर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तबीयत ख़राब है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, आपको मोटे मोटा बता देता हूँ, ठीक है। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैं प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी ही आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, कम से कम मेरे पे कल से लेके अब तक कम से कम 100 कमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे इस वजह से ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखो गाइज ऐसा है कि जो बात है मैंने आप लोगों को हमेशा हर एक चीज़ सच बताई है, चाहे मेरे सब्सक्राइबर डाउन होते हैं या अप जाते हैं, मुझे उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो सच्चाई थी वो मैंने सच्चाई बताई थी, जिससे आप लोग मुंह नहीं फेर सकते, ठीक है, हर एक चीज़। और मैं ही एक ऐसा पहला बंदा था जो मिनोक्सिडिल से, जो मिनोक्सिडिल की सच्चाई थी वो सबके सामने ले गया था। देन उसके बाद में धीरे धीरे लोग उसके बारे में बताने लगे और चैनल्स हैं जो इस टॉपिक पे बात करने लगे, लेकिन जो सच्चाई थी वो मैंने बताई आप लोगों को हर एक चीज़। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो यूट्यूबर है वो बता नहीं रहे थे कि भाई असली चीज़ क्या है, है ना, असली सच्चाई क्या है, लेकिन मैंने हर एक चीज़ प्रॉपर आप लोगों को बताई, और आप लोगों ने मुझे इस पर इतना ट्रस्ट किया, इतना प्यार दिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। आप लोग कहा कि हाँ चलो आप एक ऐसा बंदा तो है जिसने सच्चाई बताई है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को मिनोक्सिडिल की सच्चाई। देखो मुझे मिनोक्सिडिल को कम से कम छोड़े हुए तकरीबन 7.5 महीने हो चुके हैं, ठीक है, 7.5 हाँ ठीक है। तो उसमें से मैंने कम से कम 2-3 बार तो शेव कर लिया, ट्रिम कर लिया, और अभी भी शेव करी थी, ट्रिम करी थी। देखो अब अभी ये मेरी बियर्ड की कंडीशन है, बियर्ड की अपडेट मैंने दे दी है, वीडियो जाके देख लो अगर नहीं देखी है तो, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तम भाई की बियर्ड की। देखो गाइस की मिनोक्सिडिल सारी बॉडीज पे अलग अलग वर्क करता है, ठीक है, मेरी जो बॉडी है उस पर अलग वर्क करता है, दूसरी की बॉडी है उसका अलग वर्क करता है। किसी पे मिनोक्सिडिल से 3 महीने में रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी को 2 महीने में रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी को 1 साल में भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं 100% मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तम भाई की। उत्तम भाई ने मिनोक्सिडिल अपना लगाया और उनकी तो बिल्कुल भी बियर्ड नहीं थी, बस उनके मुस्टैच पे थी और थोड़ी सी यहाँ पे थी, मैंने उनकी पिक्चर देखी थी और उनकी वीडियो मैंने देखी थी। देखो गाइज ऐसा है कि मिनोक्सिडिल से बियर्ड परमानेंट है, 100% परमानेंट है, लेकिन जब आप मिनोक्सिडिल छोड़ोगे तो 100% श्योर हूं मैं कि आपकी बियर्ड शेड होगी, ठीक है, शेड होगी। किसी किसी की 60% शेड हो जाती है, 70% शेड हो जाती है, 80% शेड हो जाती है, और किसी किसी की 10-20% 30% शेड होती है। अब जैसे कि मेरी जो बियर्ड की जब शेड हुई थी, मैं आपको पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, जब मैंने अपनी मिनोक्सिडिल छोड़ी थी बीच में, तब मेरी जो शेड हुई थी वो तकरीबन 20-30% की शेडिंग हुई थी, लेकिन उत्तम भाई की कम से कम 70-80% बियर्ड शेड हुई थी। लेकिन मैंने क्या कहा था, रोहित जो टैंक है, रोहित टैंक के नाम से एक चैनल है, उनका मैंने रिप्लाई दिया था, उसमें मैंने क्या कहा था कि रोहित टैंक की जी रोहित भाई की जो बियर्ड शेड हुई है वो आएगी, 100% आएगी। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए कि हाँ भाई इनकी वीडियो इनकी जो बियर्ड है वो शेड हुई और फिर से आने लगी। रोहित भाई ने भी दोबारा से रिप्लाई दिया और कहा कि हाँ मेरी बियर्ड आ रही है। मैं हर एक चीज़ पहली बार YouTube पे मैं ही ऐसी चीज़ें लेकर आता हूँ और ऐसी चीज़ें बताता हूँ, देन उसके बाद वीडियो बनती है मिनोक्सिडिल की सच्चाई के रिलेटेड, ठीक है, सच्चाई से रिलेटेड। तो मैंने कहा था कि बियर्ड जो शेड हुई है वो आएगी, ठीक है। फिर रोहित भाई ने कहा कि हाँ मेरी जो बियर्ड है वो आ रही है और मैं होममेड कुछ सोल्यूशन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो बात की बात है। तो रोहित भाई की भी मैंने कहा था कि बियर्ड आएगी, लेकिन केस में इनके केस में उत्तम भाई के केस में क्या हो रहा है,
कि इनकी जो बियर्ड है 80% शेड हुई है, लेकिन अभी भी इनके जो वेलस हेयर आ रहे हैं भाई, ठीक है, वेलस हेयर आ रहे हैं। ये मत सोचो कि मिनोक्सिडिल से बियर्ड परमानेंट नहीं है भाई, परमानेंट है, 100% परमानेंट है। अगर आपकी 100% भी शेड होगी ना, तो भाई दोबारा से वेलस हेयर आएंगे, 100% आएंगे। अब मैं अपनी कंडीशन देखो, मेरी यहाँ पे मैंने आपने आपसे कितनी बार कहा कि मेरी हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे मेरी बियर्ड कम आती है। और देखो यहाँ पे भी मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे यहाँ पर पैच रहता है, जो कि मैंने मिनोक्सिडिल लगाई थी उसके बाद भी पैच था, लेकिन देखो मेरे फिर से वेलस हेयर आ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा दूँ, देख रहे हो वेलस हेयर आ रहे हैं भाई, यहाँ से देखो वेलस हेयर आ रहे हैं, यहाँ पे देखो वेलस हेयर आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये मत कहो कि जो बियर्ड शेड हुई है उत्तम भाई की वो वापस नहीं आई, भाई वापस आएगी और आएगी, ठीक है, लेकिन हर एक बॉडी पर अलग अलग वर्क करता है मिनोक्सिडिल। अब उनके केस में देखो यार, कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं, कुछ खान पीन भी होता है, कुछ आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स होते हैं, तो भाई ये सब चीज़ें होती हैं। क्या पता देखो ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो मेरी मिनोक्सिडिल मैंने 3 मंथ 4 मंथ मिनोक्सिडिल लगाया और मेरी पूरी की पूरी बियर्ड भर कर आ गई, ठीक है, उसके बाद शेड हुई, फिर वेलस हेयर आए, फिर शेड हुई, फिर वेलस हेयर आए, और अब दोबारा से प्रॉपर वीडियो टर्मिनल पूरी बियर्ड टर्मिनल हो चुकी है, ठीक है, और अभी भी वेलस हेयर आ रहे हैं जहाँ पे मेरी बियर्ड शेड हुई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि परमानेंट है, 100% परमानेंट है, लेकिन बियर्ड भाई शेड होगी, 100% शेड होगी। अब ये कुछ लोग यहाँ के कहते हैं कि भाई यार मेरी तो शेड नहीं हुई भाई, मेरी तो शेड नहीं हुई भाई, मेरी 20% शेड हुई है। देखो गाइज, हेटर देखो, हर एक चीज़ सबके लिए ज़रूरी नहीं कि जो उस बंदे को रिजल्ट मिल रहा है वो आपको भी मिले, ठीक है, या उसकी बियर्ड शेड हो रही है तो आपकी बियर्ड शेड नहीं हुई तो इसका मतलब आपकी नहीं होगी, 100% होगी, चाहे 20% हो, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 60% हो, लेकिन होगी ज़रूर, 100% होगी भाई। और हाँ, मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद आपकी जो ग्रोथ है ना, वो बिल्कुल स्लो, इतनी स्लो कि भाई आप मजबूर हो जाओगे कि आप लोग ऐसा सोचोगे काश यार मैं दोबारा से मिनोक्सिडिल स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बियर्ड जो है वो हमारी ग्रो नहीं हो रही है भाई, इतनी स्लो ग्रो होती है, बहुत ग्रोथ जो होती है बहुत स्लो हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो गाइज, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि हाउ टू स्टॉप मिनोक्सिडिल, और वो वीडियो पूरे यूट्यूब पे यूनिक थी, सबसे अलग हट के बताया था, ठीक है। तो बियर्ड शेड होगी, 100% होगी, इस बात से कोई भी मुंह नहीं फेर सकता, होगी 100%। बियर्ड किसी की 60% होगी, किसी की 80% भी हो सकती है शेड, और किसी की नहीं भी होगी तब भी उसके होंगी, और वेलस हेयर आएंगे ज़रूर 100%, ठीक है। और बात करते हैं कैसे स्टॉप करना है, तो भाई मैंने बताया है कि अगर आपकी बियर्ड शेड होने से बचाना है अपनी बियर्ड को मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद, तो कैसे छोड़ना है वो देख लेना, ठीक है। और बात यह है कि उत्तम भाई ने मिनोक्सिडिल जब छोड़ा तो उन्होंने कुछ भी अल्टरनेटिव उसकी जगह पर नहीं रखा, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब कि मिनोक्सिडिल ऐसा होता है कि जब आपके मिनोक्सिडिल ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से ब्लड सप्लाई होती है ज़्यादा तरीके से, तब जाके हमारी बियर्ड ग्रोथ होती है। लेकिन आपको मिनोक्सिडिल की आदत पड़ चुकी है, अब मिनोक्सिडिल आप लगा रहे हो तो ब्लड फ्लो होता रहता है, ब्लड सप्लाई चलती रहती है फेस पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मिनोक्सिडिल क्यूट करते हो तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर उतना मिनोक्सिडिल जितना ब्लड सप्लाई कर रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा था, उतना ही आपको अल्टरनेटिव में ब्लड फ्लो कराना पड़ेगा, ब्लड को सप्लाई वहाँ पर रखनी पड़ेगी। अब जैसे ही आप मिनोक्सिडिल क्यूट कर दोगे और तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वहाँ पर ब्लड उतना फ्लो नहीं हो पाएगा जितना कि आप मिनोक्सिडिल से ब्लड फ्लो करा रहे थे। तो उत्तम भाई ने जब अपनी बियर्ड जब अपनी मिनोक्सिडिल को क्यूट किया था, तो वहाँ पर उन्होंने अल्टरनेटिव में ना उन्होंने डर्मा रोलर यूज़ किया होगा, और जहाँ तक मुझे पता है ना उन्होंने डर्मा रोलर यूज़ किया, और ना ही वहाँ पर कोई बियर्ड ऑयल या फिर कोई होममेड बियर्ड ऑयल कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। मैंने अपनी मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद होममेड बियर्ड ऑयल यूज़ किया था, आप लोग पता है मैंने खुद बनाया था। और जो दूसरा भाई था, जो हमने एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो करी थी, जो दूसरा राजवीर भाई था, उसने बिल्कुल भी फर्स्ट स्टेप वाले भाई की तरह कुछ भी यूज़ नहीं करा था, उत्तम भाई की तरह कुछ भी यूज़ नहीं करा था, उसने तुरंत मिनोक्सिडिल छोड़ दिया और उसकी बियर्ड टर्मिनल बियर्ड शेड हो गई थी भाई, विद प्रूफ के साथ बताया था कि टर्मिनल बियर्ड शेड हो गई थी उसकी भी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अल्टरनेटिव में आपको वहाँ पर ब्लड फ्लो कराना पड़ेगा, ब्लड सप्लाई करानी पड़ेगी, अगर आपकी मिनोक्सिडिल से छोड़ने के बाद अगर अपनी बियर्ड शेड होने से बचाना है, तो भाई वो वीडियो देख लेना,
डर्मा रोलर यूज करना पड़ेगा, बियर्ड ऑयल यूज करना पड़ेगा, या कुछ भी अल्टरनेटिव में, या आपको क्या कहते हैं एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या आप ऐसा कर सकते हो कि हाथ के बल दीवार के सपोर्ट से आप अपना फेस नीचे और पैरों को ऊपर करके एक दो सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के लिए ऐसे करो, जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो नीचे की तरफ आए, फेस की तरफ, सिर की तरफ, जिससे आपका ब्लड फ्लो बना रहे, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है, और टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। मेरी भी बियर्ड की अपडेट मैंने दे दी है, बियर्ड अपडेट देख लो और अभी भी देख सकते हो। और मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद बियर्ड शेड होगी और स्लो, बहुत ग्रोथ जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। और फर्स्ट स्टेप वाले भाई की भी जो क्या कहते हैं बियर्ड की कंडीशन है, मैं मानता हूँ उनकी बहुत ही ज़्यादा शेड हुई है, लेकिन उनकी आएगी, टाइम लगेगा, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है। अगर वो कोई होममेड बियर्ड ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो शायद उनकी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बियर्ड परमानेंट है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग मिनोक्सिडिल यूज़ करो और मैं प्रॉपर हर एक बंदे का रिप्लाई दे रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लो अपने भाई को, हर एक बंदे का रिप्लाई मिलता ही मिलता है, आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई ना दिया हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इंस्टाग्राम पे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज करो दबा के, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। और प्रॉपर एक वेट गेन की सीरीज आने वाली है, मैंने 15 से 20 दिन में अपना 4 से 6 kg वेट गेन किया है, ठीक है। प्रॉपर डाइट बताऊंगा, प्रॉपर क्या क्या सप्लीमेंट मैंने स्टैक यूज किया है, पूरा पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।